अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी क्रंची, बहुत ही स्पाइसी लच्छेदार पकौड़े, जिसके लिए मैंने दो दरमियाने साइज़ के आलू चॉप किए हैं वेजिटेबल कटर से, और मैंने ली है एक प्याली बेसन की, और मैंने बारीक साइज़ में प्याज काट ली है, और सब्ज़ मिर्चे ली हैं जो कि बारीक लंबाई की साइज़ में मैंने काट ली हैं, और मुझे चाहिए एक चम्मच सुरख मिर्च का और आधी चम्मच मेथी की और एक चम्मच नमक का और आधी चम्मच खुश्क धनिए की। अब हमने लिया है बड़ा सा बाउल, इसके अंदर डालेंगे चॉप किए हुए आलू, उसके बाद डालेंगे इसके अंदर प्याज, और इसके अंदर डालेंगे सब्ज मिर्चे, इसके बाद डालेंगे रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी आधा चम्मच, और खुश्क धनिया आधा चम्मच, और एक चम्मच नमक का, अब हम डालेंगे एक प्याली बेसन, इसको करेंगे हम आप मिक्स, पहले ऐसे ही थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसके अंदर बाद में डालेंगे हम पानी जितना हमें चाहिए होगा, अब हम डालेंगे आधी प्याली पानी की, तो मेरा हमारा माशाल्लाह से अच्छा रेडी हो गया, तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे पकोड़े, तो इसके लिए मैंने पैन में आंच जला के फुल फ्लेम पे जो है ऑयल गरम कर लिया है, अब हम थोड़ी मीडियम आंच करके इसके अंदर डालेंगे पकोड़े, पकौड़ों का साइज़ हमने ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा छोटा रखना है, दरमियाना साइज़ हो। पकौड़े हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है कसूरी मेथी की, बहुत प्यारी स्मेल आ रही है। तो पकौड़े हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्राई हो गए, अब हम इसको निकालेंगे। बस पकौड़े हमारे बहुत अच्छे लच्छेदार रेडी हो गए हैं, तो माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत स्पाइसी हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो देखने में इतनी क्रिस्पी हैं तो खाने में बहुत मज़ा आएगा, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके,
तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।